बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 के हम 4 पार्ट पहले कर चुके हैं, अब पार्ट 5 करेंगे। रैशनलाइज हमें करना है, स्टार्ट करते हैं इसे। क्वेश्चन हमारे पास 9 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस अंडर रूट 2। रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करना ये होता है कि मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके डिनोमिनेटर को इसके कंजुगेट के साथ। डिनोमिनेटर है हमारे पास 9 प्लस अंडर रूट 2 और इसका कंजुगेट होगा 9 माइनस अंडर रूट 2। इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसके साथ डिवाइड भी करेंगे, तो ये हो जाएगा रैशनलाइज। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस अंडर रूट 2 और 9 माइनस अंडर रूट 2 है तो हम इसे लिख सकते हैं 9 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 9 प्लस अंडर रूट 2 और 9 माइनस अंडर रूट 2 है तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी, और a माइनस बी अगर हो तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारे पास ए और ये भी, ए प्लस बी ए माइनस बी ले सकते हैं इसे। तो हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के साइन। बी हमारे पास है अंडर रूट 2 तो बी का भी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे 9 माइनस अंडर रूट 2, तो ये स्क्वायर ओपन होगा तो फिर फार्मूला यहाँ पे एक अप्लाई हो सकता है। फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर अगर है तो ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो हम इसी तरीके से इस a माइनस बी के फार्मूला अप्लाई करते हुए इसे ओपन करके लिख लेंगे। ए का स्क्वायर है, ए हमारे पास यहाँ पे 9 है और बी है अंडर रूट 2, तो 9 का स्क्वायर आएगा पहले, 9 का स्क्वायर फिर माइनस 2 फार्मूले का है ए, ए का मतलब 9, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी, बी हमारे पास अंडर रूट 2 और फिर है प्लस बी का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 9 का स्क्वायर है जहाँ यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं 9 9 81 माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 2। नाइन नाइन से 81 माइनस के साइन, 9 2 से 18 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, प्लस 2 रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर आएगा प्लस का 2, और 81 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 79। अब 81 और प्लस 2 कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको एक साथ देख लेते हैं। माइनस 18 अंडर रूट 2 और डिनोमिनेटर में है 79। एटी वन में प्लस करेंगे 2 तो हमारे पास आएगा 83 माइनस 18 अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 79। यही इसका आंसर है, इससे ज़्यादा हम इसे सिंप्लीफाइंग कर सकते हैं। अब करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 हमें दिया हुआ है अंडर रूट 13 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 13 माइनस 3। रैशनलाइज करेंगे,
रूट 13 प्लस 3 एज इट इज लिखेंगे, अंडर रूट 13 माइनस 3 एज इट इज लिखेंगे, और मल्टीप्लाई होगा ये डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ। डिनोमिनेटर है अंडर रूट 13 माइनस 3, तो हमारे पास इसका कंजुगेट आएगा अंडर रूट 13 प्लस 3। सिर्फ साइन चेंज होती है कंजुगेट में और कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे ये भी सेम ही है, अंडर रूट 13 प्लस 3, और यहाँ पे भी अंडर रूट 13 प्लस 3, तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 13 प्लस 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। हमारे पास ये ए है और ये बी है, तो ए का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस के साइन, और बी है 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, प्लस की साइन आ रही है, तो यहाँ पर फार्मूला हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इसे हम ओपन करके लिख लेते हैं, ए का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 13 का स्क्वायर, फिर प्लस के साइन और टू फार्मूले का, फिर ए मीन्स अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, बी मीन्स 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस बी का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 13 माइनस के साइन, 3 3 9, 3 का स्क्वायर है तो हमारे पास 9 आएगा। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 13 प्लस 2 3 6, अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 3 9, 13 प्लस का है और 9 भी प्लस का है, 13 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आएगा 22 प्लस 6 अंडर रूट 13। और डिनोमिनेटर में 13 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। ट्वेंटी टू और 6 है, यहाँ से हम कॉमन देख सकते हैं, 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 11 से 22 और 2 3 से 6, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4। अब हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस 3 अंडर रूट 13 अपॉन 2, ये इसका आंसर। पार्ट 7 है इसका, 15 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 अंडर रूट 5। रैशनलाइज करेंगे, फिफ्टीन 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 एज इट इज लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर है हमारे पास 7 माइनस 2 अंडर रूट 5, इसके साथ इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो कंजुगेट इसका होगा, यहाँ माइनस 2 अंडर रूट 5 है, यहाँ प्लस 2 अंडर रूट 5 आएगा, और मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। हम इसे लिख सकते हैं, अब ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 7 प्लस 2 अंडर रूट 5, और यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ए हमारे पास 7 है माइनस के साइन, और बी है 2 अंडर रूट 5, दोनों जगह पर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 15 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 अंडर रूट 5 एज इट इज, और इसको जब हम ओपन करेंगे 7 7 सा 49 माइनस के साइन, 2 का स्क्वायर है 2 2 सा 4 और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो 5 रूट से बाहर आ जाएगा। अब ये हमारे पास होगा 15 7 प्लस 2 अंडर रूट 5 एज इट इज 49 माइनस 4 5 से 20। तो हमारे पास आएगा 29, प्लस का 29 आ रहा है और यही हमारा आंसर है। सर 11 माइनस 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 प्लस 11 11 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 11। रैशनलाइज करेंगे इलेवन माइनस अंडर रूट 2 एज इट इज, अंडर रूट 2 प्लस 11 एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, कंजुगेट है इसका, डिनोमिनेटर का कंजुगेट हमारे पास आएगा अंडर रूट 2 माइनस 11, अंडर रूट 2 माइनस 11 के साथ डिवाइड भी होगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास वही फार्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, और न्यूमिनेटर में देखें तो यहाँ पर 11 माइनस अंडर रूट 2 आ रहा है और यहाँ अंडर रूट 2 माइनस 11 आ रहा है। अगर इन क्वेश्चंस की तरह हमारे पास होता जैसे हम पहले कर चुके हैं ऊपर सेम ही आता, अगर 11 माइनस अंडर रूट 2 और यहाँ पर भी 11 माइनस अंडर रूट 2 होता तो फिर हम इसका स्क्वायर करके फार्मूला इस पर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब ये अलग अलग टर्म्स हैं तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 2 माइनस 11 के साथ, हम इसका स्क्वायर नहीं लिख सकते, और यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा तो ए और ये बी है, ए का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस और बी का स्क्वायर मीन्स 11 का स्क्वायर, ये इक्वल होगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 11 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 के साथ, फिर 11 मल्टीप्लाई होगा 11 के साथ, तो 11 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इस तरह से आएगा। अब 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन भी मल्टीप्लाई होती है तो प्लस माइनस माइनस 11 11 सा 121। अब अंडर रूट 2 पहले अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस की साइन आएगी, अंडर रूट 2 है तो हम इसे अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अंडर रूट 2 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 11 अंडर रूट 2, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो 2 माइनस 11 11 से 121। अब यहाँ पर 11 अंडर रूट 2 माइनस 121 माइनस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा प्लस 11 अंडर रूट 2, और 121 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 119। 11 अंडर रूट 2 माइनस 121 एज इट इज और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा, और ये एज इट इज ही लिख देंगे। 121 में से 2 को माइनस किया तो माइनस का 119 आया। अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं,
अब हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है माइनस 121 और माइनस का 2, इन्हें हम इस साइड पे कर लेते हैं। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, इसमें से मैं समझाने के लिए स्टेप बढ़ा के लिख रही हूँ। अब माइनस और माइनस है यहाँ पर भी, तो साइन आएगी माइनस की, नंबर्स प्लस होंगे 123। यहाँ पे प्लस 11 अंडर रूट 2 है और यहाँ पर भी प्लस 11 अंडर रूट 2 है, तो नंबर प्लस हो जाएंगे 11 और 11 22, और रूट दो दफ़ा हमारे पास आ रहा है तो एक ही दफ़ा आएगा। ये हम पहले कर चुके हैं माइनस के साइन, और ये एज इट इज ही रहेगा 119। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन तो नहीं ले सकते, साइन यहाँ नीचे माइनस की आ रही है, इसको ख़त्म करने के लिए हम माइनस के साइन के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस के साइन ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो जो ब्रैकेट के अंदर आएगी प्लस 22 अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 123 माइनस प्लस माइनस 22 अंडर रूट 2 और डिनोमिनेटर में 119, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 है। 1 अंडर रूट 17 प्लस 4, रैशनलाइज करना है पहले हमें से। वन अपॉन अंडर रूट 17 प्लस 4 एज इट इज, और जो मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 17 माइनस 4 के साथ, क्योंकि इसका कंजुगेट है अंडर रूट 17 माइनस 4। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 17 माइनस 4, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये आप भी बार बार फार्मूला इस तरह से लिखें तो आपको याद हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए अंडर रूट 17 है और बी 4 है, तो अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस के साइन और 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 17 माइनस 4 एज इट इज, और यहाँ पे हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 17 रूट से बाहर आ जाएगा माइनस के साइन, 4 4 16, अंडर रूट 17 माइनस 4, 17 में से 16 माइनस करेंगे 1 आएगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अंडर रूट 17 माइनस 4 ये इसका आंसर। अब इसका पार्ट 10 है, 1 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 4, इसी के तरीके से है, बस यहाँ पर माइनस 4 है। अब रैशनलाइज करेंगे तो ये तो इसी तरह से आएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास है अंडर रूट 17 माइनस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 17 प्लस 4, मल्टीप्लाई होगा 17 अंडर रूट 17 प्लस 4 के साथ, तो यही आएगा, और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है हमारे पास अंडर रूट 17, इसका स्क्वायर माइनस के साइन, बी है 4, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 17 प्लस 4 एज इट इज, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 17 रूट से बाहर आ जाएगा माइनस 4, 4 से 16, अंडर रूट 7 प्लस 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 1 डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 17 प्लस 4 इसका आंसर।